रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिमाचल के दौरे पर सीएम योगी, कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कानपुर में डेंगू का बढ़ता प्रकोप, दो लोगों की मौत। कानपुर में स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन, स्वास्थ्य के बारे में किया जाएगा जागरूक। हमीरपुर में सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था, झाड़ू लगाने को मजबूर छात्र और शिक्षक। लखनऊ में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची प्रियंका चोपड़ा, दो दिन नवाबों के शहर रहेंगी प्रियंका। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख आने के बाद सभी सियासी दल के दिग्गज नेताओं ने अपनी सियासी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। ऊना में सीएम योगी ने जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि यूपी की तस्वीर बदल चुकी है, बीजेपी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला है। भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये महज संजोगी नहीं है। भारतीय मूल का व्यक्ति आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बन गया है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। वैश्विक मंच पर आज भारत की प्रतिष्ठा बनी है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चुनौती नहीं जो भारत के बगैर जिसका समाधान हो सकता है। एक वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता दबदबा और दूसरी तरफ भारत की सीमाओं की सुदृढ़ होती हुई स्थिति। हिमाचल के नौजवान रणबांकुरों ने अपने जीवन की प्रवाह के बगैर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कभी कोई कोताही नहीं की। लखनऊ में राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई। आपको बता दें कि गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर नम्रता पाठक कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही पूर्व न्यायाधीश भी रंगनाथ पांडे सम्मिलित हुए। वहीं इस कार्यक्रम में संस्था ने समाज के प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तृतीय वर्षगांठ है और जिसको हम हर साल मनाते हैं। 2019 में हमने इसकी स्थापना की थी और प्रत्येक वर्ष इसकी हम लोग वर्षगांठ मनाते हैं। आज भी इसका स्थापना दिवस है और आज हमारे पूरे हिंदुस्तान भर के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, इसी बहाने एक हम लोग सोशली हम लोग एक जगह हम लोग गैदर हो जाते हैं और हमारे विचारों का आधार कि हमको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों के बारे में मैं किसी को नहीं पता है। मेरा अपना दावा है कि 90% लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। हम लोग किया क्या करते हैं कि प्रत्येक शनिवार को आपको आपके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जब तक हमें कानून के संविधान की अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, हमारा शोषण होता रहेगा। वो शोषण होगा तो अपराध पनपता रहेगा। तो हम लोग अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं और उसी की दिशा में हम प्रयासरत हैं। औरैया में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां तुलसी और शालिग्राम विवाह के अवसर पर
पोरवाल धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तुलसी और शालिग्राम का विवाह बड़ी धूमधाम से रचाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने ढोलक और मजीरों की थाप पर मंगल गीत गाए और नृत्य भी किया। साथ ही एक गरीब जोड़े की शादी भी हिंदू रीति रिवाजों के साथ की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद और दहेज दिया। यहाँ पर पूर्वाल धर्मशाला में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब लड़की की शादी का आयोजन हम लोग करा रहे हैं सभी की ओर से, महिला शाखा तुलसी की ओर से। ये हर वर्ष हम लोग जरूरतमंद लड़कियों की शादियाँ करवाते हैं। पहले हम लोग सर्वे करते हैं कि वास्तव में ये पात्रता की सूची में है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग जब सर्वे हो जाता है तो उसको हम लोग अरेंज करके उनको दान दहेज सारी व्यवस्था, जलपान से लेकर खाना पीना सारी व्यवस्था हम लोग कराते हैं। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की हालत बदतर बनी हुई है। एक ऐसा ही मामला हमीरपुर से सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षा से पहले छात्र और प्रधानाचार्य मिलकर खुद ही सफाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में सफाई कर्मचारी का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे छात्रों और शिक्षक को खुद ही झाड़ू लगानी पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक शिक्षकों और छात्रों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। कानपुर में नोबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 वर्ष के ऊपर की महिलाओं की जांच की जाएगी। शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाए। महिलाओं में 40 वर्ष के बाद कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, जिससे कई तरह की समस्या बढ़ जाती है। आपको बता दें कि शिविर में महिलाओं को निःशुल्क परामर्श और शारीरिक परीक्षण की जाँचें की जाएंगी, साथ ही विशेष जांचों पर छूट दी जाएगी। जो नोबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और एक स्क्रीनिंग चेकअप प्रोग्राम 9 नवंबर को सुबह 9:30 से 2 तक यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाएगा, जिसमें 40 वर्ष की ऊपर की महिलाओं के हेल्थ चेकअप, जैसे कि उनका जनरल चेकअप, उनके वाइट, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी पल्स, उनकी क्लिनिकल चेकअप में हार्ट लंग देखना, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और ओवरऑल उनका एग्जामिनेशन, उनकी ब्लड शुगर वगैरह कुछ ब्लड के टेस्ट और बोन की हेल्थ को चेकअप सब कराया जाएगा और उनको अवेयर कराया जाएगा। महिलाओं को जागरूक करना है और उनके परिवारों को जागरूक करना है कि सब लोग अपनी अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, थोड़ा समय निकालें और समय समय पर अपना चेकअप कराएं। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है, उनके परिवारों को जागरूक करना है कि वो अपनी बॉडी का चेकअप कम से कम 6 महीने में एक बार ज़रूर कराएँ। और एक जागरूकता, एक ये आपसे अनुरोध है कि इसको फैलाएँ पूरे समाज में, कि माइंडसेट लोग चेंज करें कि कोई भी चीज़ आज की तारीख में लाइलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज उपलब्ध है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, मगर उसके लिए सही समय पर सही डॉक्टर के पास आपको पहुंचना होगा। गोरखपुर में सर्किट हाउस के पास रेस्टोरेंट में दबंगों ने कर्मचारियों पर भोजन देने का दबाव बनाया। जब कर्मचारियों ने किचन बंद होने की जानकारी दी तो दबंगों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। ये पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। फरुखाबाद में अंतरराज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शातिर टप्पेबाजों के पास से लाखों की नकदी बरामद की गई है। वहीं कुछ दिन पहले ही चोरों ने नेकपुर के पास सराफा व्यापारी और उसके भाई के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज एक अंतर्राज्यीय जो टप्पेबाजी, लूट और चोरी की जो घटना करते हैं, उसके सदस्य 2 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ के बाद में। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो अवैध असला, साथ ही साथ जो चेकबुक है
आधार कार्ड है, एक अंगूठी पीली धातु की है, कुछ चाबियां हैं, एक काला बैग मिला है और नगद 1,12,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। लखनऊ में मोहनलालगंज के लालपुर में आंगनवाड़ी स्कूल में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा पहुंची। स्कूली छात्र छात्राओं से प्रियंका चोपड़ा ने बातचीत की। 1090 चौराहे पर भी प्रियंका चोपड़ा जाएंगी, वहां जाकर गतिविधियों को भी देखेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ ग्लोबल गुडविल के एम्बेसडर हैं। यूनिसेफ के सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम में प्रियंका चोपड़ा शामिल होंगी। कानपुर शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। आपको बता दें कि 2 किशोरों को बुखार आने के 48 घंटे बाद मौत हो गई। वहीं हैलेट के सभी वार्ड फुल हो चुके हैं, जिसके बाद डॉक्टरों ने सर्जरी के वार्डों को भी खाली कराने का प्रस्ताव दिया है। 500 के पार डेंगू के मरीजों की संख्या हो गई है। डेंगू ने शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पांव पसार लिए हैं। हमारे पास इस समय LLR अस्पताल में जो मरीज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर बुखार से पीड़ित होकर आ रहे हैं, और जिसमें लगता है कि मरीजों में प्लेटलेट की संख्या कम है, ऐसे मरीजों को हम लोग डेंगू की जांच करा रहे हैं। और यहाँ पर भर्ती मरीज़ हमारे वार्ड नंबर 10 जो है भर्ती के लिए, वो स्पेशली डेंगू वार्ड के लिए बनाया गया है, या फीवर से जो भी संबंधित मरीज है उनको हम वहाँ पर भर्ती कर रहे हैं। आगरा में HMA ग्रुप पर 50 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी इनकम टैक्स की छापेमारी कार्रवाई जारी है। बता दें HMA ग्रुप के 18 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को ग्रुप के टर्नओवर के अरबों रुपए होने के बाद भी आय बेहद कम दिखाए जाने का अनुमान है। इसी को लेकर ठिकानों पर प्रपत्रों की जाँच पड़ताल की जा रही है। अगर आपका बच्चा नाबालिग है और बाइक या स्कूटर चलाता है तो सावधान हो जाइए, कहीं यह घटना आपके बच्चे के साथ ना घट जाए। एक ऐसा ही मामला फरीदाबाद से आया है, जहां किरोशीपुर इलाके में नाबालिग बच्चा बाइक से जा रहा था, तभी कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि नाबालिग बच्चे और उसके 3 साथी बाइक पर बैठे थे। तीनों नाबालिग बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया है। संजीत एक ही बाइक पे बैठे थे आप चार लोगों? चारों आप एक ही बाइक पे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे हम कहीं। अच्छा, तो चला कौन रहा था? शक्कर का। क्या नाम है बच्चे का? सारू। अच्छा, फिर क्या हुआ? ठुक गई। मैं अपने खेतों पे था, सरसों बो रखी थी, उसी पे कुछ पास में ही जो ना सुरेशपुर रोड है, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। एक सेंट्रो गाड़ी थी, वो पल्ली तरफ से आ रही थी और ये बाइक से जा रहे थे। अच्छा, तो तब तक एक्सीडेंट हो चुका था, मैं तो 15 मिनट बाद पहुंचा था। बाइक और सेंट्रो का एक्सीडेंट हुआ है जी। तो 3 बच्चों को तो पहले लेके आ गए थे, एक बच्चा वहाँ था उसको मैं लेके आया जी। तो बता रहे कि चारों बच्चे बाइक चला, बाइक एक ही बाइक पे थे, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया? ये पता नहीं है, बाइक पे चारों बच्चे थे या 2 थे ये पता नहीं, लेकिन वहाँ जो थे 3-4 बच्चे घायल हुए। हरदोई में टोडरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में नाली निर्माण में पीले ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधान तकनीकी सहायक और सेक्रेटरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे नाराज ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वहीं लोग प्रशासन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।